मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी संस्कृति में ऐसी चीजों की भरमार है जिन पर हम गर्व कर सकते हैं और पूरी दुनिया को अभिमान के साथ दिखा सकते हैं, और उनमें एक है कुंभ मेला। आपने कुंभ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, फिल्मों में भी उसकी भव्यता और विशालता के बारे में काफी कुछ देखा होगा। और ये सच भी है, कुंभ का स्वरूप विराट होता है, जितना दिव्य उतना ही भव्य। देश और दुनिया भर के लोग आते हैं और कुंभ से जुड़ जाते हैं। कुंभ मेले में आस्था और श्रद्धा का जनसागर उमड़ता है। एक साथ एक जगह पर देश विदेश के लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं। कुंभ की परंपरा हमारी महान सांस्कृतिक विरासत से पुष्पित और पल्लवित हुई है। इस बार 15 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला, जिसकी शायद आप सब भी बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुंभ मेले के लिए अभी से संत महात्माओं के पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ भी हो चुका है। इसके वैश्विक महत्व का अंदाजा इसी से लग जाता है कि पिछले वर्ष यूनेस्को ने कुंभ मेले को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में चिन्हित किया है। कुछ दिन पहले कई देशों के राजदूत ने कुंभ की तैयारियों को देखा। वहां पर एक साथ कई देशों के राष्ट्रध्वज फहराए गए। प्रयागराज में आयोजित हो रहे इस कुंभ के मेले में 150 से भी अधिक देशों के लोगों के आने की संभावना है। कुंभ की दिव्यता से भारत की भव्यता पूरी दुनिया में अपना रंग बिखेरेगी। कुंभ मेला सेल्फ डिस्कवरी का भी एक बड़ा माध्यम है, जहां आने वाले हर व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति होती है। सांसारिक चीजों को आध्यात्मिक नजरिए से देखते समझते हैं। खासकर युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं स्वयं कुछ दिन पहले प्रयागराज गया था। मैंने देखा कि कुंभ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। प्रयागराज के लोग भी कुंभ को लेकर काफी उत्साही हैं। वहां मैंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया। श्रद्धालुओं को इससे काफी सहायता मिलेगी। इस बार कुंभ में स्वच्छता पर भी काफी बल दिया जा रहा है। आयोजन में श्रद्धा के साथ साथ सफाई भी रहेगी, तो दूर दूर तक इसका अच्छा संदेश पहुंचेगा। इस बार हर श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान के बाद अक्षयवट के पुण्य दर्शन भी कर सकेगा। लोगों की आस्था का प्रतीक यह अक्षयवट सैकड़ों वर्षों से किले में बंद था, जिससे श्रद्धालु चाहकर भी इसके दर्शन नहीं कर पाते थे। अब अक्षयवट का द्वार सबके लिए खोल दिया गया है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब आप कुंभ जाएं, तो कुंभ के अलग अलग पहलू और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अवश्य शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कुंभ में जाने की प्रेरणा मिले। आध्यात्म का ये कुंभ भारतीय दर्शन का महाकुंभ बने, आस्था का ये कुंभ राष्ट्रीयता का भी महाकुंभ बने, राष्ट्रीय एकता का भी महाकुंभ बने, श्रद्धालुओं का ये कुंभ वैश्विक टूरिस्टों का भी महाकुंभ बने, कलात्मकता का ये कुंभ सृजन शक्तियों का भी महाकुंभ बने।